अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से मल्टी आर्ट एंड आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन समोसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन, जिसे हमने अच्छे से श्रेड कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बंद गोभी, जिसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टमाटो, ये हमने लिए हैं 2 स्मॉल साइज़ के टमाटोस और इनको भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हैं ये सॉसेस और इनको कैसे यूज़ करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद हमें चाहिए ये ग्रीन चिली, इसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें चाहिए ये समोसा पट्टी, ये वैसे आप घर पर भी बना सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमें चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून। और ये रहे हमारी स्पाइसेस, हमने सबसे पहले लिए हैं रेड चिली, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून। और ये है चिली फ्लेक्स, ये भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद ये है नमक, ये भी हमने 1 टेबलस्पून लिया है। इसके बाद हमने लिया है ज़ीरा और ये भी हम यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। और ये है सूखा धनिया, ये भी हम 1 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। और ये है काली मिर्च और ये हम यूज़ कर रहे हैं 1/2 टीस्पून। ये रहा हमारा चिकन, हमने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त हम पानी में सबसे पहले 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे बड़ी इलायची। जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर हम इसको इस तरह से श्रेड कर लेंगे। तो आपने अच्छे से श्रेड करना है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी आज की रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम फ्राई पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, जो कि हमने चॉप किए थे। एक मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, जिसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब हमारे अनियंस और बंद गोभी को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं शिमला मिर्च। अब हम इन्हें नॉर्मल फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून नमक और ये लाल मिर्च, उसके बाद ये धारा मिर्च, ये भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। उसके बाद ये काली मिर्च और सूखा धनिया। अब हम इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 1 स्पून हल्दी। बिलीव मी, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये देखने में भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।
अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारी सॉसेस। सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं सोया सॉस, और ये हमने ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं विनीगर, और ये हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। ऐड करने वाले हैं हमारी चिली सॉस, जो कि हमारे समोसों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाएगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट चिकन। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ग्रीन चिलीज, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। हमारा फिलिंग के लिए मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे हमारे समोसे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। समोसों में कभी भी फिलिंग गरम गरम मटेरियल की नहीं करनी चाहिए। इसको पहले अच्छे से ठंडा करके उसके बाद समोसे की फिलिंग करनी चाहिए। यम्मी। यम्मी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। बिल्कुल आपको इसी तरह इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे और फिर हमारे समोसे बनना रेडी हो जाएंगे। अब हम अपनी समोसा पट्टियों को इस तरह से अलग अलग कर देंगे। ये हमने आटे और पानी को मिक्स करके इस तरह से बना लिया। अब हम अपने समोसों को इससे जोड़ेंगे। अब मैं आपको समोसा बनाने का तरीका बताती हूँ। से हम एक समोसा पट्टी को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये देखें, एक साइड को हम इस तरह से रोल करके दूसरी साइड के इस तरह से कॉर्नर के ऊपर टच करेंगे, और इसके अंदर फिर हम करेंगे फिलिंग। इसके इस साइड पे हम वो जो हमने साइड पे हम ये लिक्विड लगाकर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और ये देखिए ये हमारे समोसे की शेप बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें करेंगे फिलिंग। आप इसमें अपने मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें फिलिंग करके उसके बाद हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको लिक्विड लगाकर इसको इससे जोड़ देंगे। ये देखिए, इसको जोड़ दिया। अब हमारा ये समोसा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम इसको रिपीट करके ये सब भी बनाएंगे। अब हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। हमारे ऑयल को हम हाई फ्लेम पर हीट अप कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने समोसों को फ्राई करेंगे। अब हमारे समोसों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम हमारे समोसों को दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई करेंगे।
तो आज के हमारे क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन समोसा बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Yummy!